भाई भाई भाई, लेडीज ड्राइवर तो शुरुआत करते हैं आज की व्लॉग की गाइस। सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोवा व्लॉग्स। सो आज की व्लॉग भाई बहुत बहुत कठिनाइयों से शुरू हो रही है, क्योंकि ये हमारी धन्नो चालू नहीं हो रही थी। क्या पता इसको क्या हो गया था, टाँकी भी फुल थी, सब कुछ फुल था, फिर भी तभी भाई कैसे कैसे चालू कर दिया। किक मारना पड़ेगा ना भाई, तुम भी मारोगे तो बोलोगे कभी भाई चाबी तो चालू करो। ऐसे लेजेंड रहता है, चाबी चालू नहीं करते किक मारने बोलते। ऐसे तो स्मूथ है पर कभी कभी थर्ड क्यों दे देती है वो नहीं समझता। सो अभी बज रहे हैं दोपहर के कुछ 3:30, और ये टाइम इसलिए चूज किया क्योंकि भाई दोपहर में तो मैं निकलता ही था, अभी भी फिलहाल दोपहर ही है, पर कैसा ना 2 बजे से 3 बजे का टाइमिंग है ना, बहुत ज्यादा ही गर्मी वाला रहता, बहुत वो टाइम पे बहुत ज्यादा ही धूप रहती है। वो टाइम पे तो मेरे को घर पे बैठ के इतनी धूप लग रही थी पूछो मत, इसलिए मैं ये टाइमिंग पे नहीं निकला। अभी सोचा 3:30-4 बजे तक निकलते ताकि फिर जब तक हम लोग लोकेशन पे पहुंचेंगे जहाँ पे अपने को शूट करने का है, तब तक तो सब माहौल भी ठंडा हो जाएगा और थोड़ी लाइट भी रहेगी। ओ ओ भाई भाई भाई, लेडीज ड्राइवर बोलते हैं। रिक्शा खड़ी है फिर भी भाई मैडम को बीच से जा। सो अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना वहाँ पे इतनी ट्रैफिक मिलने वाली है ना रास्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाली है। ईस्ट वेस्ट का बॉर्डर, और आज तो भाई ऊपर से ट्रेन भी जा रही है, बड़े सही टाइम पे आए। ऐसा रोड मिले तो भाई मज़ा आ जावे, ऐसा रोड और इतनी कम ट्रैफिक। ओ चीचा, कहाँ रॉन्ग साइड चल रहे हो? ए नोवा कंट्रोल। ये रूट कैसा ना मेरा हमेशा का हो गया, इसलिए मेरे को यहाँ के हर एक 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 खड्डे मालूम है कहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मैं एकदम बिंदास होके चलाता हूँ। ना यहाँ पे अपने को काम भी है प्रो बाइक पे, और प्रो बाइक यही हम लोग के रास्ते में आता है जहाँ पे आज हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे गाड़ी का वो अपने पिछला व्लॉग देखा रहेगा, इससे पहले वाला आपको बता रहेगा मेरा एक विंग निकल गया यहाँ से, तो आज वो लगा लेते हैं। और गाड़ी भी थोड़ी गंदी है, तो अभी रील शूट करने जाएंगे तो गाड़ी है देखो ऐसी नहीं चलेगी ना, तो थोड़ा कपड़ा भी मार लेंगे ऊपर से। ये गाड़ी का कैसा मालूम है, ज़्यादा नहीं धुलाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा धुलाते हैं और उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आती है वो भी अभी आपको बताता हूँ। गाड़ी ज़्यादा धोते हैं उसके वजह से बैटरी में पानी चला जाता है, अंदर पानी चला जाता है, उसके वजह से बैटरी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए गाड़ी ज़्यादा नहीं धुलानी। कि मैं भी महीने में शायद से 1 या 2 बार धुलाता हूँ, बाकी के जब भी ख़राब हुई थोड़ी बहुत तो ऊपर से कपड़े मार लेता हूँ, बस दैट्स इट। और उससे ऊपर ज़्यादा नहीं धुलाना चाहिए गाड़ी को, गाड़ी के बैटरी में दिक्कत आने लग जाती है। तो चलो भैया प्रो बाइक तो आ गया, अपना थोड़ा काम है वो करा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे वो विंग निकल गया था, वो डालना है बैक से। भाई चलो अपने दोनों काम हो गए यहाँ पे आते आते, एक तो अपना विंग निकल गया था वो लगा दिया, और गाड़ी भी थोड़ी हल्की हल्की पोछ ली है, अभी देखो कैसी लग रही है। आगे से तो क्या ही लगती है भाई, भले इसकी विजिबिलिटी 0 हो गई है पर लुक्स में 100 ऑफ 100 है इसको। शायद
शाम के टाइम की यही खासियत है कि इतनी ज़्यादा धूप लगती नहीं है, भले थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है पर मौसम थोड़ा सही हो जाता है वही अच्छा है, वरना धूप में तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है, देखो कितना जाम पड़ा हुआ है। बाइक के जगह पे रिक्शा पेल रहे यार, कैसे चलेगा ये। पूरा खाली पड़ा है, लेट निकलने के वजह से थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज हो गया है, टाइम भी कम है और हम लोग को शूट भी जल्दी की जल्दी कंप्लीट करना है। आई होप बस शूट फटाफट से कंप्लीट हो जाए और तो कुछ नहीं। ऐसी ट्रैफिक के बाद ऐसा खुला रोड मिले ना तो थोड़ा ज़्यादा सुकून मिलता है, पर यह सुकून बस थोड़ी देर के लिए ही है आगे हमको फिर से बहुत ज़्यादा गंदा वाला ट्रैफिक मिलने वाला है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का ही काम इतना ज़्यादा चल रहा है ना तो उसके वजह से ट्रैफिक होनी ही होनी है। अभी देखो यहाँ पे अभी इतना कंस्ट्रक्शन का काम है, अभी हम लोग को बैक रोड जाना है, उसके वजह से हम लोग को पूरा ऐसा घूम के जाना पड़ेगा ये देखो, क्योंकि बीच में ही पूरा काम चल रहा है। अभी अपन सीधा जाने का, पर सीधा जा नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए हमको अभी पूरा ऐसा इधर से पूरा ऐसा घूम के जाना पड़ेगा। वो तो अच्छा है अभी, वरना पहले कैसा हो रहा था, यहाँ से ही रॉन्ग वे छोड़ रहे थे, अभी तो ऐसा बॉर्डर बना दिया तो वहाँ से ऐसा घूम के आएंगे, वरना तो और भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती थी, पूरा जाम ही जाम मिलता था। कोई भी टाइम पे आ जाओ आप, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए, सुबह हो जाए, हर टाइम ट्रैफिक लग रही थी। सो फाइनली अपने अपन लोकेशन पे तो पहुँच गए, पर मैं शायद से आगे या फिर पीछे रह गया हूँ आकाश से, और उसको मैंने बोल के रखा था कि अगर अपन अलग हुए तो आई लव लोखंडवाला पे ही मिलेंगे, और ऊपर से मैंने फ़ोन भी अपना यश को दे के रखा है रनिंग शॉर्ट्स के लिए, तो ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ है, और अच्छा हुआ मैंने पहले ही बोल दिया उसको कि मिलेंगे तो आई लव लोखंडवाला पे ही मिलेंगे। शायद से तो वो लोग पीछे रह गए क्योंकि सबसे पहले मैं ही आया हूँ, वो लोग तो दिख रहे हैं नहीं, तो वो लोग के लिए अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो चलो ये लोग भी आ गए लगता है ये लोग कोई और रूट मार रहे थे इसलिए ये लोग को लेट हो गया। सो कैसे कैसे करके इतने धूप में भी हम लोग ने आधा शूट तो कंप्लीट कर लिया है, अभी एक लोकेशन पे तो हम लोग जाके आए, अभी दूसरा लोकेशन आगे है, वहाँ पे एक शूट करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ से। और गाड़ी में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई है, जैसे कि ये देखो ये रेस वाला तो मैंने तुमको पहले ही बोला था, एक्सी केबल शायद से थोड़ा ख़राब हो गया है, तो एक्सी केबल मेरे को डालना पड़ेगा, और आगे के ब्रेक से जो आवाज़ आ रही है चीं चीं करके उसका एक बार देखना पड़ेगा। सो ये हमारा दूसरा लोकेशन था, और ये देखो फूल के साथ भाई हमारे नोवा का लुक अलग ही आ रहा है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और थोड़े बहुत रनिंग शॉट्स निकालने हैं, बहुत मेहनत है भाई, तो अगर ये मेहनत आपको वर्थ इट लग रही है तो यहाँ पे आईडी आती रहेगी मेरे इंस्टाग्राम की, ज़रूर से वहाँ पे फॉलो करो, पहले रील देखो वहाँ पे बाद में फॉलो करो, रील बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बनाता हूँ और ट्राई करता हूँ हर रोज़ इम्प्रूव होने की, तो देखो मज़ा आए तो ज़रूर से भाई फॉलो करो। तो चलो भाई आज का शूट पूरा कंप्लीट हो गया, अभी मेरे मेमोरी कार्ड में भी जगह नहीं रहा गोप्रो के, तो दैट्स इट, आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको कोई भी पार्ट पसंद आया होगा तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे ही एक मस्त व्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड राइड सेफ।